जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। आज हम लोग बात करेंगे री एग्जामिनेशन के स्केड्यूल के बारे में। ये सीईटी सेल ने दे दिया है, ओके। एंड ये आप देख सकते हैं कि मैं सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ये देखिए नोटिस है, री एग्जामिनेशन सीईटी हॉल टिकट डाउनलोड एंड री एग्जामिनेशन स्केड्यूल डेटेड 25/8। ये आज ही आया है। तो कौन कौन से एग्जाम को लेकर री एग्जाम होगा? हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन सीईटी 2022-23 री एग्जामिनेशन हॉल टिकट डाउनलोड एंड री एग्जामिनेशन स्केड्यूल। ये देखिए बहुत सारे एग्जाम है इसमें, महाराष्ट्र बीएड एमएड सीईटी, महाराष्ट्र बीपीएड सीईटी, एलएलबी 5 ईयर सीईटी, एमएड सीईटी, एलएलबी 3 ईयर्स, बीए बीएससी सीईटी, बी प्लानिंग सीईटी एंड एमसीए सीईटी। ये टोटल 8 सीईटी एग्जाम है जिनमें सर्वर के इश्यू के वजह से एग्जाम नहीं हुआ था, दैट इज टेक्निकल इश्यू के वजह से कुछ जगहों पर। तो जिन कैंडिडेट ने एग्जाम नहीं दे पाया, ये उनके लिए है। आज से हॉल टिकट डाउनलोडिंग चालू हो गया है। 27 तारीख को आपका एग्जाम होगा एट दी डेजिग्नेटेड सेंटर, जो भी सेंटर आपके हॉल टिकट में दिया हुआ है उसमें, ओके। नाउ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर री एग्जामिनेशन शुड डाउनलोड देयर हॉल टिकट फ्रॉम दी वेबसाइट। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द री एग्जामिनेशन बट डू नॉट वॉन्ट टू अपियर फॉर द री एग्जामिनेशन, देयर अर्लियर अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द सीईटी स्कोर and they need not to appear CET re-examination. Okay, जिसने re-examination के लिए apply किया है but वो नहीं देना चाहता exam, okay, because बहुत सारे student का ऐसा रहता है कि prepare कर लिया, बस हो गया, अभी दोबारा exam नहीं देना है, तो ये भी हो सकता है। तो इस case में आपका जो पहला exam दिया है, first attempt का marks consider किया जाएगा for the admission process के लिए, okay. Now, candidate appearing for the re-examination to note that कि इन केस कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग फॉर द सेकंड अपॉर्चुनिटी री एग्जामिनेशन, हिज हर फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी नलिफाइड एंड हिज हर री एग्जामिनेशन सेकंड अटेम्प्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर द स्कोरिंग। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द री एग्जामिनेशन इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्ट दिस टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सेकंड अपॉर्चुनिटी री एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट सीईटी सेल मुंबई इफ एनी इन फ्यूचर, ओके। सो इन्होंने ये क्लियर बोल दिया है, अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो भी पेपर हुआ है, जो भी आपको स्कोर आएगा, वो नलीफाइड कर दिया जाएगा एंड फॉर द एडमिशन आपका सेकंड अटेम्प्ट का ही मार्क्स कंसीडर किया जाएगा और कोई भी लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते हो, ये सीईटी सेल ने कम्प्लीटली बोल दिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें रिगार्डिंग री एग्जामिनेशन के बारे में समझ में आ गई रहेगी। ये लेटेस्ट अपडेट है सीईटी सेल के ऊपर फॉर दी री एग्जामिनेशन। गाइस, अगर आपको बीपीएड सीईटी, बीए बीएससी सीईटी, ओके, बीएड एमएड सीईटी के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, सो यू कैन गेट स्टडी मटेरियल फ्रॉम अस। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।